हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी वकील साहब। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव सिर पर है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर पार्टी अपने अपने दांव खेल रही है, क्या पता कौन सा दांव काम कर जाए और चुनाव में जीत हासिल हो जाए। ऐसे माहौल में जब लड़ाई जीत के लिए लड़नी हो, एक एक कदम से हार और जीत तय होनी हो, ऐसे वक्त में भी कांग्रेस ने ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से वो बीजेपी के निशाने पर आ गई है। जी दरअसल कांग्रेस ने अभी हाल ही में सरेआम मारे गए अतीक अहमद की एंट्री कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करा दी है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का भी नाम जोड़ दिया है। ये वही इमरान प्रतापगढ़ी है जो अतीक को भाई और अशरफ को साहब कहकर पुकारते हैं, जो अतीक जैसे कुख्यात माफिया के लिए अपने दिल में न सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं बल्कि उसी तरह से उनका सम्मान भी करते हैं। उन्हें इमरान प्रतापगढ़ी को जब कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में डाला तो फिर तो बीजेपी इस कदर बिफर गई। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद को अपना गुरु मानते थे, माफिया अतीक अहमद और अशरफ मोहम्मद को वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे। वहीं मोदी सरकार में मंत्री करंदलाजे यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने कहा, प्रतापगढ़ी ने कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सिर झुकाने वाले लोग नहीं, सिर काटने वाले लोग हैं। ऐसे इमरान प्रतापगढ़ी को कर्नाटक चुनाव के स्टार प्रचारक की सूची में कांग्रेस ने शामिल किया है। सुनिए मोदी सरकार में मंत्री करंदलाजे ने किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाने पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। आप ही सुनिए कैसे कांग्रेस के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा है। गैंगस्टर के साथ थे, गैंगस्टर का फ्रेंड है, गैंगस्टर आतिक अहमद अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बन के राज्यसभा में आए, कर्नाटक आए थे, कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण किया। उन्होंने बताया मुसलमान ऐसा लोग है, वो सर झुकाने वाले लोग नहीं है, सिर काटने वाले हैं। ऐसा गढ़िया कर्नाटक में किया था। इमरान प्रताप गढ़िया बहुत खुशी से इसका सोशल मीडिया में भी डाला है। आतिक अहमद के साथ इसका रिश्ता था, वो भोजन में बुला रहा था, उसके ऊपर शहरी लिख रहा था, शहरी गा रहा था। इमरान प्रताप गढ़िया एक शहरी लिखने वाले और शहरी गाने वाले भी है। एंड इसका मंच पे शहरी का प्रोग्राम में आतिक अहमद आते थे एंड बैठते थे, उसके ऊपर वो शहरी गाते थे। ऐसा इमरान प्रताप गढ़िया को कर्नाटक इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। इसी से वो तो इमरान प्रताप गढ़िया जैसे लोगों को कांग्रेस पूरा देश में घुमाना चाहते हैं, ये कांग्रेस है। सुना आपने शोभा करंदलाजे को, ये गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी को स्टार प्रचारक बनाने पर फूटा है। जब से इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने प्रचार के लिए मैदान में उतारा है, तब से ही प्रतापगढ़ी के बयानों से जैसे सोशल मीडिया पाट दिया गया है। इमरान प्रतापगढ़ी के वीडियोज, अतीक के साथ प्रतापगढ़ी के फोटोज खूब वायरल हो रहे हैं। एक ट्वीट भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें प्रतापगढ़ी ने लिखा, आज रात अतीक भाई और अशरफ साहब हमारी कुटिया पर एक दावत पर तशरीफ लाए। ये बात है 22 अप्रैल 2015 की, जब माफिया अतीक और अशरफ इमरान प्रतापगढ़ी के घर गए थे। प्रतापगढ़ी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे घर पर अतीक भाई तशरीफ लाए, साथ में अशरफ साहब भी आए,
हमारे कुटिया पर छोटी सी दावत में दोनों तशरीफ लाए। अब प्रतापगढ़ी के इसी ट्वीट पर विवाद हो रहा है। इससे पहले मुसलमानों को भड़काने वाला भी इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो वायरल हुआ था और समय समय पर अतीक और इमरान के एक दूसरे की तारीफ करते वीडियो वायरल होते रहे हैं। सुनिए अतीक और इमरान प्रतापगढ़ी एक दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं। हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी शुक्रिया। और खास तौर पे अपने बड़े, उन्हें बड़ा भाई कहूं कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, जनाब अतीक साहब का, जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से। मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में खड़ा होकर के जालिम हुकूमतों के खिलाफ जब भी आवाज बुलंद करता था तो अंदर से एक एहसास रहता था कि इलाहाबाद में बैठा हुआ एक शख्स है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेगा। ये जो एहसास है वो बहुत बड़ा है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। तभी तो कर्नाटक के उडुपी चिकमंगलूर लोकसभा सीट से सांसद शोभा करंदलाज ने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद और अशरफ को गुरु मानते थे, दोस्त और भाई बोलते थे। इमरान महाराष्ट्र से कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद बने, उन्होंने कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण दिया है। इससे पहले भी इमरान प्रतापगढ़ी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा था कि सदियों तक कोई अतीक पैदा नहीं होगा। वीडियो में प्रतापगढ़ी कहते नजर आ रहे हैं, एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर पर किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों मेरी बात याद रखना, तुम कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। तो जब इमरान प्रतापगढ़ी का अभी हाल ही में मारे गए अतीक अहमद से इतना गहरा नाता है तो फिर सवाल तो उठेगा ही, कांग्रेस की मंशा पर वही बीजेपी उठा रही है। वैसे आप इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस की तरफ से स्टार कैंपेनर बनाए जाने के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी इस बारे में राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।